तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा ही धमाकेदार होने वाले है क्योंकि आज हम अपग्रेड करने वाले गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक के अंदर। बट गाइस ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला क्योंकि उसका मासूम ने टाइम चेंबर के ऊपर अटैक करके बुलमा लोग क्रिलिन और बाकी सभी लोगों को मार दिया है और सुपर ड्रैगन बॉल्स लेकर सुपर सेंड्रॉन की मदद से उनकी सारी पावर खुद ले चुका है और बन गया है ओमेगा सेंड्रॉन। तो अब क्या करेगा फ्रैंकलिन, कैसे रोकेगा ओमेगा सेंड्रॉन को, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेट्स गो। अरे जल्दी भाग रे सिंचैन, तूने ये क्या किया, ये शेर अचानक हमारे पीछे क्यों पड़ गए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ पे सुसू करने गया था, मुझे क्या पता टाइगर गर्लफ्रेंड पर बैठी है, मैंने गलती से उसे ही नहला दिया। अबे यार कहीं भी ज्यादा देख जाकर, अब चौप हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, सिंचैन क्या कर रहा है, जल्दी आकर बैठ चौप के ऊपर। अरे चौप भगा जल्दी, नहीं तो ये सब हम लोगों को खाई जाएंगे। चौप हमारी जिंदगी अब तेरे हाथ में, जल्दी यहाँ से भाग। अरे कल मैं एक डॉग हूँ, कोई घोड़ा नहीं है, तुम मेरी सवारी कर रहे हो। अरे चौप प्लीज आज हमारी जान बचा ले, मैं तुझे पड़ोस वाले डेजी डॉग का नंबर ला कर दे दूंगा। और कल तूने पिछली बार भी यही बोला था बट तूने दिया नहीं। अरे चौप सॉरी, पिछली बार गलती हो गई बट इस बार पक्का प्रॉमिस में ला कर दूंगा तुझे। अरे कलवे तो फिर ठीक है, डेजी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, अब तुम दोनों कस के पकड़ कर बैठ जाओ। अरे चौप रुक जा, शायद वो लोग चले गए, अब वो लोग हमारे पीछे नहीं कर रहे हैं। सिंचैन आज तेरी वजह से हम लोग मरते मरते बचे हैं, आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना। अब जल्दी यहाँ से चलो, हमें जल्दी घर जाना होगा, मियाँ हमारा घर पे वेट कर रही होगी, अगर हम लोग टाइम पे घर नहीं पहुंचे तो शेर की जगह मियाँ हमारा चिकन तंदूरी बनाकर खा जाएगी, अब जल्दी चलो तुम दोनों। ओ शिट, अरे यार ये तो गोकू है, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे सिंचैन भैया देखो, तू ये जिंदा है कि मर गया है। अरे सिंचैन रुक तो जा, देख तो रहा हूँ, इसकी सांसें तो चल रही हैं बट इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जल्दी से सीपीआर देना होगा, अगर ये इससे ठीक नहीं होते बचेगा ही नहीं। अरे वाह लगता है शायद इसे होश आ रहा है। अरे गोकू तुम्हारी ये हालत किसने की। फ्रैंकलिन थोड़ी देर पहले जमासू ने टाइम चेंबर के ऊपर अटैक करके मेरे सभी दोस्तों को मार दिया, मैंने उससे फाइट करने की बहुत कोशिश की पर उसके सामने टिक नहीं पाया, उसने मुझे बहुत मारा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा हूँ। फ्रैंकलिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या, पर मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा। फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपना सूट देने जा रहा हूँ, इसकी मदद से तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। पर फ्रैंकलिन याद रहे, सूट में ज्यादा पावर नहीं है, पावर पाने के लिए तुम्हें सूट को अपग्रेड करना होगा। ओके गोकू ठीक है, मैं समझ गया, सिंचैन तुम गोकू को लेकर घर जाओ, चौप तुम मेरे साथ चलो। अरे कलवे तूने मुझे क्या बना दिया है, मैं एक डॉग हूँ कोई घोड़ा नहीं, जो तू मेरी सवारी करे जा रहा है। अरे चौप हम क्या ही करे, हमें गोकू की मदद करनी होगी नहीं तो जमासू पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा और तेरी डेजी डॉग भी मर जाएगी और फिर तू शादी किससे करेगा। अरे नहीं नहीं कलवे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं करूंगा तेरी हेल्प, तुझे बता तुझे जाना कहाँ पर है, मैं तुझे लेकर चलूंगा वहाँ पर। अब ये हुई ना चौप वाली बात। ओ शिट यार ये यहाँ पर क्या हो गया, लगता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर तो सभी लोग मर चुके हैं। अरे ये तो लेस्टर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अबे लेस्टर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, रुक जा मैं तुझे बाहर निकालता हूँ, ये ले। अरे यार इसको ये हो क्या गया, लेस्टर तू ठीक तो है ना, और तू इस कार के नीचे कहाँ से आ गया। अरे फ्रैंकलिन क्या ये तू है। हाँ यार मैं ही हूँ, गोकू ने मुझे अपना सूट दिया है, पर ये बात तू इस गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था। अरे फ्रैंकलिन अब क्या ही बता, सोने से भरी हुई ट्रेन पास में रुकी हुई थी, हम लोग उसे लूटने जा रहे थे पर अंडर वाटर माफिया और उसके लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करके मेरे सभी साथियों को मार दिया और खुद उस ट्रेन को लूटने के लिए चले गए, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इस ट्रेन का पता नहीं लगा सकते क्योंकि उस ट्रेन का कोड एक घर के अंदर छुपा हुआ है। फ्रैंकलिन तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या। फ्रैंकलिन अगर तुमने मेरी मदद की तो उस सोने में से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके लेस्टर ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम जल्दी जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचो और आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें कॉल पर बताऊंगा। फ्रैंकलिन तुम अब जल्दी जाओ क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, वो ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है, उसके यहाँ से जाने से पहले हमें उस ट्रेन से गोल्ड को लूटना होगा। ओके लेस्टर ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, चौप अब हमें जितनी जल्दी उसको उतनी जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। ओके कलवे ठीक है, मैं वहाँ पे रॉकेट की स्पीड से चलता हूँ। अरे यार लेस्टर ने तो यही लोकेशन दी थी पर यहाँ पर तो कोई भी ट्रेन नहीं है। अरे फ्रैंकलिन हेलो। हाँ लेस्टर मैं तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। ओके फ्रैंकलिन अब तुम घर के अंदर जाओ और उस गार्ड को बेहोश कर दो, फिर उस गार्ड को लॉक के अंदर डाल के अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। ओके लेस्टर ठीक है मैं करता हूँ।
लिस्टर हो गया। फ्रैंकलिन टेबल के पास जो लैपटॉप है उसके पास जाओ। अरे वाह फ्रैंकलिन, फाइनली हमें ट्रेन की लोकेशन मिल चुकी है। मैं तुम्हें वो लोकेशन भेजता हूँ, तुम जल्दी से उस ट्रेन को लूट के मुझे मॉन्टेलियास के पास मिलो। मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। ओके लिस्टर, ठीक है मैं समझ गया। यार जॉब विद लिस्टर की आधे ज्यादा बात तो मुझे समझ में नहीं आती है, क्या बोल क्या रहा है ये। अरे हाँ रे कलवे, उस लड़े की बात तो मुझे भी समझ नहीं आती है कि वो क्या बोलता है क्या करता है। जॉब लिस्टर ने लोकेशन तो यहीं कर दिया है, पर ये ट्रेन कहाँ पर है? ट्रेन तो यहीं पास में ही है। जॉब तुम यहीं रुको, मैं सोना लेकर आता हूँ। अरे यार यहाँ तो फाइट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से तो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे यार इनके पास तो गन्स भी, लगता है अंडर वाटर माफिया के लोग हैं। पर यार मुझे अगर सोना लूटना तो इन लोगों को मारना ही पड़ेगा। यार ये लोग आपस में फाइट कर रहे हैं कि मेरे ऊपर फायरिंग कर रहेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तेरी तो ये ले। चलो गाइज एक तो गया, अभी दूसरा बाकी है। लगता है इसने इसको मार दिया। आई थिंक गाइज यहाँ पे डगन बॉस और अंडरवाटर माफिया के पीछे फाइट चल रही थी इस सोने को लूटने के लिए। बट गाइज यार मेरे को लिस्टर ने बताया ही नहीं क्या कर ये सोना है किसको और मैं किसका सोना लूट रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कहीं कुछ पंगा ना हो जाए बड़ा सा। चलो गाइज आप लोगों ने इसको काट तो दिया, बट लेट्स सी गाइज देखते हैं इसके अंदर कुछ है कि नहीं। ओ भाई साहब गाइज यार यहाँ तो गाइज पूरी की पूरी सोने की ब्रिक्स पड़ी हुई है। चलो गाइज फटाफट सबको उठा के जल्दी जल्दी अंदर भर लेते हैं और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागते हैं। पता नहीं गाइज किसका सोना और मैं किसका सोना लूट रहा हूँ गाइस, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं रहा। गाइस अंडरवाटर माफिया के इस डगन बॉस मेरे ऊपर अटैक ना करते। चलो गाइस फाइनली मैंने सारा सोना तो गाइस लूट ही लिया है, अब जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आई होप गाइस चॉप रेडी हो। चल भाई फटाफट से निकल ले यहाँ से। अरे यार ये चॉप आ गिर है कहाँ पर? तो चलो गाइस मेरा चॉप तो गाइस यहीं पे खड़ा हुआ गाइस, इसकी मदद से हम लोगों ने गाइस पूरी की पूरी ट्रेन गाइस लूट ली है। एंड गाइस अब मुझे जल्दी गाइस माउंट चिलियार्ड के पास जाना होगा जहाँ गाइस लिस्टर अपन लोगों का इंतजार कर रहा है। उसे सोना देकर गाइस हम लोग 50-50 कर लेंगे, उसके बाद गाइस मैं अपने नेक्स्ट रूट में अपडेट हो जाऊंगा। एंड यार क्या ही कूल था गाइस। ओ भाई 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 ये क्या हो रहा है? अबे ये मिलिट्री वाले हमारे पीछे क्यों पड़ गए चॉप? अरे कल हम लोगों ने किसका सोना लूट लिया, कहीं मिलिट्री वालों को नहीं ना है? अरे यार चॉप लगता है उस लगने ने हमें फंसा दिया, मिलिट्री का ही सोना लुटवा दिया हम लोगों से। अबे यार ये तो पूरी की पूरी मिलिट्री के लोग हमारे पीछे पड़ चुके हैं चॉप, अब हम क्या करें? अरे कल अब करना क्या है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबको मार के यहाँ से निकलना होगा और हमें जल्दी जल्दी लिस्टर के पास पहुँचना होगा। चॉप तो रुक जा, मैं लिस्टर को कॉल करके पूछता हूँ आखिर ये हो क्या रहा है। भाई साहब ये मिलिट्री वाले लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो सोना तो अंडर वाटर माफिया डगन बॉस का था ना। अरे यार लिस्टर फोन क्यों उठा रहा भाई? अरे कल लगता उस लगने चुना लगा दिया, लगता वो पूरे का पूरा सोना मिलिट्री वालों का ही था। अरे यार चौप पर हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं, चारों तरफ से पुलिस वाले आ चुके हैं, हम लोग भागे कहाँ से? अरे कल भी तू टेंशन ना ले, अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी स्पीड से यहाँ से भागता हूँ, कोई भी नहीं मेरे को पकड़ पाएगा। अरे चौप यार इसकी तो नहीं 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 चौप 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 दोस्तों चॉप ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अब बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। तुम लोगों को खत्म करने के बाद फिर उस लंगड़े की बारी है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ, अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। ये लो और ये भी ले, अब तेरी बारी, तुम लोगों को एक साथ सबको खत्म कर दूंगा। यार पता नहीं मैं कितनी देर तक इस फॉर्म को होल्ड करके रख पाऊंगा, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सबको खत्म करना होगा, नहीं तो यार पता नहीं फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में ना आ जाऊं। पर यार मुझे यहाँ से निकल करके जमासू को फिर, ओ बे यार ये कौन है? वो सिटी यार ये तो गोल्डन सेल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? गाइस लगता है जमासू ने अपनी पावर्स अपने कंट्रोल में कर लिया, तभी ये मेरे ऊपर आकर अटैक कर रहा है। और अब कुछ भी हो जाए तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, अब वक्त आ गया सुपर सगिन 3 का। यार इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है, मुझे जितनी जल्दी उसको उतनी जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो अगर लेट होगा जमासू पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। और यार इसे मैं हराऊं कैसे, ये वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब मेरे पास बस एक ही तरीका, मुझे अपनी पूरी पावर्स को एक ही बार यूज करना होगा, अब तू नहीं बचेगा। तो फाइनली गाइज आप लोगों ने गोल्डन सेल को खत्म कर दिया। एंड गाइज अब मुझे अपनी सारी पावर्स को एक साथ ही अनलॉक करना होगा। अरे ये तो ब्लैक फ्रीजा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अब मुझे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सारी पावर्स को अनलॉक करना होगा, तभी मैं इसे रोक पाऊंगा। तो चलो गाइज अब होगी असली फाइट इस ब्लैक फ्रीजा के अगेंस्ट, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से मार करके टाइम चेम्बर के पास पहुँचना होगा। मैं अपनी पूरी ताकत इसके अंदर लगा दूंगा। फाइनली गाइज आप लोगों ने ब्लैक फ्रीजा को भी हरा ही दिया, अब गाइज मुझे उस टाइम चेंबर तक पहुंचना होगा अपनी पूरी ताकत से। जमासू मैं आ रहा हूँ, अब तू नहीं बचेगा। वो
वो जरूर यहीं पर होना चाहिए। मुझे उसे जितनी जल्दी उसको उतनी जल्दी ढूंढना होगा। शायद मैं अपने इस फॉर्म में उसे हरा दूं। पर यार आखिर वो है कहाँ? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ओह शिट यार, ये तो यहीं पर है। दोस्तों सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है यार। मैं तो इसके सामने टिक भी नहीं पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ओह शिट, नहीं 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 नहीं, अरे यार मैं तो गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ, गिरता जा रहा हूँ। ओह शिट यार, इसकी तो मैं तो पृथ्वी पर आ गया। गाइस यार मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस फॉर्म में इसको हरा पाऊंगा। अब वक्त आ गया गाइस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करने का। जमासू अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। गोकू तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे अपनी इस पावर से हरा दोगे? पर अब वक्त आ गया मुझे अपनी असली पावर्स को दिखाने का। अब ये दुनिया देखेगी मेरा असली कहर। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म करूंगा। शुरुआत में तुमसे करूंगा। ओह शिट यार, ये अचानक से पूरे बादल इतने काले काले कैसे हो गए? और ये जमासू सुपर सिंड्रोन में कैसे ट्रांसफर हो गया? गाइस यार इसका मतलब सुपर सिंड्रोन ने अपनी पूरी की पूरी ताकत जमासू को दे दी है। अब यार इसे मैं रोकूंगा कैसे? पर गाइस चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं इसे रोक के रहूंगा। अब वक्त आ गया गाइस अपनी पूरी पावर से इसके ऊपर अटैक करने का। यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। ओह मुझे इसके फेस के ऊपर ही अटैक करना पड़ेगा तभी मैं इसे रोक पाऊंगा। पर यार मैं कितनी भी अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये तो मेरे को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा है। तब तक गाइस मैं इसे अकेले कभी भी रोक नहीं पाऊंगा। अरे लॉर्ड वीरस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? गोकू हमें पता था तुम इसे अकेले कभी भी रोक नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब आपके साथ और कौन आया मेरी मदद करने के लिए? अरे गोकू कैसे हो, फाइनली तुमने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर ही दिया। अरे विश आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू हमें जैसे ही पता चला कि जमासू ने सुपर सिंड्रोन से कोई विश मांगी, हम तुरंत ही हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ की हालत देखकर लग रहा है हम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। हाँ लॉर्ड वीरस, हम तीनों को मिलकर एक साथ इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ तभी हम लोग इस यूनिवर्स को बचा पाएंगे, नहीं तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने जमासू को हरा दिया। एंड गाइस यार क्या ही खतरनाक बैटल थी। एंड गाइस वेदर फिर से गाइस नॉर्मल हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।